अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आल सय्यिदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी दोस्तों, ये वीडियो कल की है, यानी कि 26 दिसंबर की है। कल जब नथिया गली काला इसमें मरी वगैरह में मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, बर्फ़ पड़ रही थी, तो जो दोस्त कलाम गए थे उन्हें पता कि कल दिन को कलाम को बर्फ़ नहीं पड़ी थी। तो ये अनवर भाई के साथ हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने रब्ता किया और अब हम आस्ता आस्ता उस पोजीशन की तरफ जा रहे हैं कि जब हमारे सब्सक्राइबर जाते हैं तो हम अपनी टीम की कारकर्दगी भी आपको दिखाना चाहेंगे कि अनवर साहब ने वहाँ पर को कैसी सैर कराई है। ये कराची से लाहौर से लोग आए हुए थे, उन्हें वहाँ पर विजिट कराया है और कलाम में भी बर्फ नहीं थी लेकिन उन्हें बर्फ़ दिखाई अतरौड़ वैली ले जाकर, और दो जिन मकाम पर वो लेके गए वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। आज की वीडियो मुख्तलिफ इस सेंस में है कि आपको दो मकाम जो हम दिखा रहे हैं, दो झीलें दिखा रहे हैं, एक शाही बाग दिखा रहे हैं, एक दूसरी झील दिखाएंगे, और अनवर भाई आपको वहाँ से जो हमारे टूरिस्ट गए हुए हैं उनके साथ जो बातचीत है वो भी बताएंगे। आज मेरी बातचीत कम होगी, अनवर भाई और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका टाइम है। ये सब्सक्राइबर डायरी हम दिया करेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हमारी वीडियो देख के जाया करेंगे वो अपनी वीडियोज़ बनाएँ और वीडियोज़ हॉरिजॉन्टल मोबाइल रख के बनाएँ, और हॉरिजॉन्टल मोबाइल किस तरह रख के बनाते हैं मैं आपको भी दिखा दूँगा, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस तरह रख कर आप वीडियो बनाएँ और क्लिप्स हमें व्हाट्सएप करें, हम आपका पूरा टूर व्हाट्सएप पर जो क्लिप्स बने होंगे उनको अरेंज करेंगे और इस तरह हम अपनी जो सब्सक्राइबर्स डायरी के नाम से हम ये लॉन्च किया करेंगे अपने व्लॉग्स, ताकि जो टूरिस्ट जाते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। हमारी बातें तो लोग सुनते रहते हैं, उनके भी सुनाते हैं आपको, लिए सुने ये तो क्या है। यहाँ पे आज काफ़ी रश पड़ा है और आज तो मतलब महकमे मौसमियात के मुताबिक वो मतलब 100% वो बर्फ़बारी का मतलब बता रहे थे, लेकिन अभी हो सके इंशाल्लाह आगे हम जा रहे हैं उधर बर्फ़बारी शायद शुरू हो जाए। लेकिन इधर काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, आज मेरे साथ ही मेहमान आए हुए हैं इधर, इधर इससे भी कुछ बातें करेंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, खैरियत है, आप ठीक हो ना सर? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आप कहाँ से आए? मैं लाहौर से आया हूँ। जी सर ठीक है, सही है। और हम लोग लाहौर से आए थे लेकिन कलाम आए थे और हमें यही था कि कलाम में हमें ना बर्फ़बारी मिलेगी, लेकिन फिर हमने अनवर भाई को कॉल किया, इन्होंने हमें गाइड किया कि नहीं यार हम आपको एक पॉइंट दिखाते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, मुझे 20 साल हो गए कलाम आते जाते, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं एक फ्रीजिंग लेक के ऊपर खड़ा हुआ, ठीक है। और मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, ये मेरी फैमिली है सारी, बीविंग बच्चों के साथ आया हूँ और बड़े अच्छे इन्होंने तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया। पहले हमारा इरादा यही था कि हम रुक के कलाम में इंजॉय करेंगे, लेकिन ये जो मंज़र है ना, ये आप मेरी एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना हैप्पी हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरे पैसे वसूल हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। मैडम आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम है नहीं है, मैं कराची से। अच्छा अच्छा मैडम, तो मैडम यहाँ पे आके कैसा लगा ये जगह आपको? बहुत ही खूबसूरत जगह है, नेचुरल, बहुत नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बहुत रिच बनाया है हर चीज़ से। जो यहाँ आती भी कोई मुश्किल तो पेश नहीं आया मैडम आपको? नहीं। अच्छा अच्छा, एजी मतलब आप इजीली यहाँ पे पहुँच गए? नहीं, रास्ते थोड़े से ख़राब है। अच्छा, वो लेकिन बन रहे हैं, काम होती भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी आपका नाम? मेरा नाम ताहजी शाह। और कहाँ से? मेरा हम कराची। जो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा मैसेज कि आप ज़रूर आएँ, सवात विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है, नेचर इन्जॉय करें और बस पाकिस्तान की ब्यूटी को मैसेज को फैलाएं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि आप इनके चैनल को सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर आपसे कांटेक्ट करें। हमने इनसे कांटेक्ट किया था आने से पहले, हमें बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज़ का इन्होंने गाइड किया और हमने इनके साथ बहुत अच्छा इन्जॉय किया। ये अभी जिस प्लेस पर हम आए हुए हैं ये भी एक्सप्लोर नहीं हुई है, लेकिन इनकी वजह से हम लोगों ने इसको भी देख लिया। आप लोग भी यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें, बहुत अच्छी जगह है और मेरा ख्याल है सबको यहाँ पे आना चाहिए और अनवर भाई के चैनल को भी सबको सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अभी हम शाही बाग पे पहुँच गए हैं। इस वक्त यहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और ये आप मनाजिर देख रहे हैं, ये शाही बाग के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं, अभी ये आज की मनाजिर हैं ये आप देख रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी हम वो कुछ मेहमानों से भी बात करेंगे, इनकी व्यूज़ भी आप देख लें।
और ये मनाजिर आप देखें, शाही बाग की ताज़ा तरीन मनाजिर। बर्फ़बारी का सिलसिला अब भी जारी है यहाँ पे। ये मेरे साथ जो दो ग्रुप्स आए हुए हैं, जी दोस्तों, आप बड़ी खूबसूरत मनाजर के साथ साथ हमारे बड़े ही खूबसूरत लोगों के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान हैं, जो कि हमारा चैनल देखकर उन्होंने अनवर भाई से रब्ता किया। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस वक्त ये लोग अनवर भाई की तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसा टीम मेम्बर दिया कि जिसका और मेरा जो साथ है, उसकी वजह से आज लोगों से अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। इसी तरह आप काम करते रहें और लोग आपकी तारीफ़ करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत डालेगा। क्या महसूस कर रहे हैं? बेहतरीन, आप बेहतरीन विजिट था और आपका साथ बड़ा ज़बरदस्त रहा, आपने बेहतरीन जगह दिखा दी। मतलब ये ऐसी जगह है, यहाँ पब्लिक को आना चाहिए, नॉर्मली यहाँ पब्लिक को आना चाहिए, क्योंकि ये जगहें विजिट करने के साथ पाकिस्तान की विजिट सिस्टम को इम्प्रूव करेगा जी, क्योंकि हमारे लोगों का आने का कम है। ज़्यादा ऊपर के इलाकों को देखना चाहिए, बाहर मुल्क जाते हैं हम लोग, इतना खर्चा करते हैं, इससे बेहतर आधे से आधा भी खर्चा नहीं होता मेरे हिसाब से ना। आप यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन और बेहतरीन लोग मिलते हैं आपको, जिंदा दिल और बेहतरीन लोग मिलेंगे आपको, बेफिक्र है। मेहमान नवाज बेहतरीन मेहमान नवाज होंगे, यह बेहतरीन मेहमान नवाजी। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। और ये जो बर्फ़बारी आप मतलब होती हुई आप मतलब देखना चाहते थे ना, तो जो बर्फ़बारी आपको कनाडा शनाडा में देखने को मिलती है ना, वो यहाँ आपको इस वक्त मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा घुमा के देखें तो आप मेरे पीछे वाले एरिया को देख सकते हैं, और ये इसका पानी वाला एरिया देख सकते हैं, और ये टॉप एरिया आप देख सकते हैं कि देखें आप ही अपने आपको, ये देखें ब्लो बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे इस वक्त आपको कैमरे के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। और बाकायदा झील थमी हुई आप देख सकते हैं कि इसके अंदर झीलें थमी हुई हैं, बाकायदा पानी तक थमा हुआ है। मैं आपको और नियरली दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये एरिया है, ये पूरा जो है बर्फ़ का एरिया है, ये पूरा बर्फ़ देख रहे हैं, बर्फ़ थमी हुई है बाकायदा, आप समंदर थमा, और ये एरिया यहाँ तक एंडलेस तक आप अगर देखते हैं, दूर दूर तक आप देखते हैं कि एक जमे रफीक जमा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ सफ़ेद चादर लगी हुई है, सफ़ेद चादर ओढ़ के खड़ा हुआ है पहाड़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। मैं दावा तो नहीं करता कि शाही बाग और धमाका झील के दिसंबर के और 26 दिसंबर की कोई वीडियो आपको इस तरह दिखाए, हो सकता है और लोग भी जाते हैं और विलागा जाते हैं, वीडियो बनाते होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी के ये सबसे बेहतरीन मनाजर हैं जो अब तक मैंने देखे हैं, और मैं शाही बाग ख़ुद अब तक नहीं गया हूँ। और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों की वजह से ये मैं टीम बनाने में कामयाब हुआ, और अनवर भाई ने आज यहाँ में बड़े ज़बरदस्त नज़ारे कराए। और वो जो लोग कहते थे कि नहीं जी बस दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद शाही बाग और दीगर आगे नहीं जाया जा सकता, उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि बिल्कुल ज़रूर आप जाएँ, लेकिन प्रॉपर गाइडनेस और प्रॉपर वहाँ के मुकामी लोगों से आपका अगर रबता हो तो फिर कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, फिर आपका जो सियाती दौरा इंतहाई ज़बरदस्त हो सकता है। तो जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ जब आप जाएँ तो प्लीज़ रब्ता करके जाएं, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी और आप ये ज़बरदस्त नज़ारे ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा हमारी दीगर अपडेट्स भी आ रही हैं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी वीडियो देखा करें पूरी देखें, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ये लोग जब लाहौर से चले हैं, इन्होंने रब्ता किया तो उन्हें प्रॉपर गाइड किया गया कि आपने कहाँ उतरना है और कहाँ से इनके साथ आपने ज्वाइन करना है, और फिर आगे अनवर भाई ने उनके लिए होटल्स के अरेंजमेंट किए हैं, साथ गाड़ी करके दी है, साथ गए हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त टूर गाइड और साथ अनवर भाई का साथ रहा। तो आप लोगों को भी शुक्रिया जी कि आप लोगों ने हमारा चैनल देखा और इनके साथ आए। आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप प्लीज़ इन अंकल को फॉलो करें, इनसे कॉन्टेक्ट करें, या आपको बहुत सी गाइडलाइंस चाहिए और उनकी गाइडलाइंस को आप फॉलो करते करते आपको बहुत सी जगहों का पता चलेगा। And we are enjoying a lot. A lot of snowfall. आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ जो मेहमान आए हुए हैं, बहुत खुश हैं, ये बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे ये। और ये मनाजिर जो शाही बाग के ताज़ा तरीन अपडेट से मनाजिर ये आपको इंशाल्लाह यहाँ मिल जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद है और आज हम यहाँ पे आए हैं स्नोफॉल देखने आए हैं। आप भी फॉलो करके यहाँ पे हैं अनवर अंकल को, और आप भी यहाँ पे हैं और सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, फॉलो करें और अनवर अंकल के यूट्यूब को फॉलो करें। थैंक यू सो मच जी। वालेकुम सलाम। हाँ सर जी, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? ये शाही बाग में आप खड़े हैं, अनवर भाई के साथ आए हैं
और इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ है। अगर ये दिखा सकें तो मेरे ये इर्द गिर्द सारे पहाड़ इस वक्त लाइव स्नो हो रही है और हम लोग ना इन्जॉय कर रहे हैं। ऊपर देखें कितनी ज़बरदस्त स्नो हो रही है और ये मुकम्मल इलाका। और ऐसा है कि ये मैंने 15 सालों में मुझे ये एक्सप्लोर अनवर भाई ने करवाया। मैं इतना ज़्यादा इनसे हैप्पी हुआ हूँ कि शायद मैं आया कलाम था और मैं वापस चला जाता। मेरा इनसे कॉन्टैक्ट हुआ, इन्होंने मुझे बोला दो पॉइंट आपको दिखाऊँगा और वो दोनों इतने लाजवाब हैं कि यार मज़ा आ गया। फंटास्टिक, ज़िंदगी में जो चाह रहा था वो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, लव यू और बहुत ज़्यादा नेक दुआएं आपके लिए। बहुत खूबसूरत प्लेस पे लेके आए हैं। इस वक्त यहाँ पे -6 टेम्परेचर है जी, स्नोफॉल हो रहा है, आपको चारों तरफ वादी नज़र आएगी। ये बीच में एक बिल्कुल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। चूँकि हम दिसंबर में आए हैं तो यहाँ पर माइनस टेम्परेचर है। अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो ये आपको तमाम तहद नज़र ग्रीनरी नज़र आएगी जो आंखों को बड़ी दिलकश लगेगी इन जगहों। और ये आपको बताया था यहाँ पे भी, क्योंकि तुम लोग भी वापस आ रहे हो, टेम्परेचर माइनस है, ये होटल वगैरह वॉशरूम भी अवेलेबल है। क्योंकि सर्दियाँ तो इस वक्त यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। ये बड़ी बहुत खुशगवार मकाम है, यहाँ पे रहने का, नाइट स्पेंड करने का भी है। ये जो जगह जिसके ऊपर इस वक्त हमें ये ग्रीन हो जाती है, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे मुकामी दोस्त हैं जो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। अनवर साहब उनमें से एक हैं जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। हम कल जब लाहौर से चले थे तो ये हमारे साथ कॉन्टेक्ट में थे, इन्होंने हमारे यहाँ होटल बुक करवाए, होटल बड़े अच्छे थे, गर्म पानी हमें मिला और प्लस अनवर साहब ने बड़े अच्छा कोऑपरेट किया। अभी भी यहाँ हमें इन्होंने ये गाड़ियाँ हायर करके दी हैं। एक और फैमिली है जो कराची से आई हुई है, हम लोग दो फैमिली हैं जो लाहौर से आई हुई हैं और हम एक दफ़ा दोबारा अनवर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और अनवर साहब को कहेंगे वो हमें और हम उनको अपनी दुआओं में इंशाल्लाह याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। सलाम, क्या नाम? मेरा नाम हरीम है। और कहाँ से आई आप? लाहौर से आई। लाहौर से तो जगह कैसा लगा ये आपको? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो रास्ते में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये स्टाइल पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आप सब्सक्राइबर में से ये मेरे दोस्त वहाँ गए थे अनवर भाई के पास और उन्होंने वीडियोस बनवाई और हमने आपके सामने पेश की। और ये मेरी जो ख्वाहिश यही है फ़कत ये कि हम पाकिस्तान के सियाहों के रिमार्क्स भी लेके आएँ ताकि वो मुख्तलिफ इलाकों के बारे में अपनी राय का इजहार करें और उनकी राय को देखते हुए आप भी प्रोग्राम बनाएँ और पाकिस्तान के ये खूबसूरत जो इलाके हैं इनको आप देखने के लिए जाएँ। तो पाकिस्तान की खूबसूरती की बात है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे याद